आज रानू मंडल किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। रानू मंडल के जीवन में नया सवेरा लाने वाले अतीन्द्र अब उनके मैनेजर जो बन चुके हैं। जी हाँ, रानू मंडल का हर प्रोग्राम अब अतीन्द्र मैनेज कर रहे हैं। रानू मंडल के जीवन में नया सवेरा अतीन्द्र नहीं लाया था, उन्होंने ही रानाघाट पर रेलवे स्टेशन पर वो जिस तरीके से भीख मांग रही थी और एक प्यार का नगमा है गा रही थी, उसे उन्होंने वायरल किया था। उसके बाद ये वायरल वीडियो हिमेश रेशमिया के पास पहुंचा और फिर क्या था, हिमेश रेशमिया को सलमान के पिता की बात याद आ गई। सलीम खान ने कहा था कि बेटा जब भी कोई मददगार हो और उसे मदद की जरूरत हो तो तुम मदद जरूर करना। तो यही बात याद करते हुए हिमेश ने रानू को एक मौका देने का सोचा और बॉलीवुड में करवा दी एंट्री। फिर क्या था, रानू अब पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं और अब रानू ने पांचवा गाना भी गा दिया है। जी हाँ, रानू मंडल हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहती थी और अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहती थी। रानू मंडल हमेशा से चाहती थी कि उन्हें एक बार बॉलीवुड में गाने की एंट्री मिल जाए और बिल्कुल ऐसा ही हो गया। रानू मंडल जब से सोशल मीडिया पर छाई हैं, इंटरनेट पर उनके नाम से तमाम जो मसले हैं वो वायरल हो रहे हैं। कभी रानू मंडल की बेटी की खबरें आने लगी हैं तो कभी रानू की किसी डिमांड की चर्चा होने लगी है। इस बार जो हुआ है वो हैरान करने वाला है। रानू मंडल के नाम से वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं। जी हाँ, रानू मंडल बहुत ही खूबसूरती के साथ अब अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। इस दरमियान सलमान खान ने भी कहा था कि वो भी अपने गाने में ज़रूर एंट्री देंगे। सलमान खान भी अगर कोई हिट फिल्म लेकर आएंगे तो उसमें रानू को मौका देंगे गाने का। इसके अलावा जैसे ही अक्षय कुमार के कानों में ये बात गई, उन्होंने भी कहा कि गाने का मौका हम भी देंगे। तो ऐसे करके तमाम लोग सामने आने लगे रानू मंडल की मदद के लिए। तो ऐसे में भोजपुरी या जगत भला कैसे पीछे रह सकता है। बॉलीवुड जब सामने आ गया किसी की मदद के लिए तो भोजपुरी या जगत भी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए इसके सबसे बड़े सुपरस्टार तो खेसारी लाल यादव जो कि बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, उन्होंने भी ऑफर किया कि वो रानू मंडल को एक गाने में एंट्री ज़रूर देंगे। वैसे भोजपुरिया समाज में आप देख रहे हैं कि भोजपुरिया जगत में जो फिल्में बन रही हैं वो बहुत अच्छी फिल्में बन रही, पारिवारिक फिल्में बन रही और गंदगी ज़रा भी नहीं है। तो जिस तरीके से हिमेश रेशमिया ने इस हीरे को तराशने की कोशिश की है, मतलब रानू मंडल को तराशने की कोशिश की है, बहुत सारे पापड़ बेलकर आज की गीत सिखाने का काम किया है, उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग करवाई तेरी मेरी कहानी, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जैसे इस बात का ऐलान किया, अब पवन सिंह यानी कि पावर मैन भी इन्हें गाने का मौका देने वाले हैं। ये खबरें अभी हवा में तैर रही हैं। इस खबर की सत्यता तो नहीं है लेकिन उड़ती उड़ती खबरें जरूर मिली है दोस्तों कि रानू मंडल जो है वो अब भोजपुरी फिल्मों में तो तय है कि गाएंगी, क्योंकि जब पावर मैन खुद बोल रहे हैं, वैसे खेसारी लाल यादव ने भी जो कहा है उसमें बहुत सारी सच्चाई है क्योंकि वो भी हमेशा से लोगों की मदद करते रहते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक भोजपुरिया जगत में रानू आती हैं और गाना गाती हैं, क्योंकि रानू मंडल का गाना भोजपुरिया जगत में जब आएगा तो क्या नया धमाल मचेगा, क्योंकि हीरो हीरोइंस तो बहुत सारे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो फिल्में बन रही हैं, जैसे एक नायक फिल्म बनी उसमें साउथ की हीरोइन आई हैं और यहाँ पर अपना किस्मत आजमाया, वैसे ही जब साउथ से लोग आके भोजपुरी कर सकते हैं तो फिर रानू मंडल को तो हिंदी आती है और इसके अलावा वो भोजपुरी में खुद को उतार पाएंगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि भोजपुरी बोलना थोड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या पावर मैन सीधे सीधे उनको गाना गवा पाएंगे या फिर हिमेश रेशमिया की तरह पवन सिंह को भी बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे रानू मंडल को गाने के लिए तैयार करने में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।